वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने पिछले वीडियो में साइंस वन का जो सिलेबस है 25% रिड्यूस किया गया उसके उसको हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि साइंस टू में कौन सा 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक साइंस टू की 10th की और उसके साथ पेंसिल लेके बैठना है। तो देखो, पेज नंबर फर्स्ट निकालो, उसके बेस में जो लास्ट 4 लाइन है उसको रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर सेकंड पे आओ, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं हम, क्योंकि पूरा टेक्स्ट बुक हम लेने वाले हैं आज। तो पेज नंबर सेकंड जो है एज इट इज है। पेज नंबर थर्ड निकालना है, कैन यू रिकॉल के नीचे इवोल्यूशन के बाद। देखो, ये जो दिख रहा है ना तुम लोगों को पैराग्राफ, इसको भी रिड्यूस किया गया है पूरा। और उसके साथ उसके बाजू में अपीप इनटू हिस्ट्री, उसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर फोर्थ पे आओ, पेज नंबर फोर्थ पे बेस पे कैन यू टेल और यूज ऑफ आईसीटी, उसको रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर फिफ्थ पे आना है तुम लोगों को, यूज ऑफ आईसीटी, उसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद पेज नंबर सिक्स पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद पेज नंबर सेवन एज इट इज है। पेज नंबर एट पे स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद उसके नीचे जो लैमार्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद उसके नीचे इंटरनेट इज माई फ्रेंड, उसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर नाइन पे आना है तुम लोगों को, ये जो दिख रहा है जर्नी ऑफ ह्यूमन, ये जो डायग्राम है इसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर टेन पे आना है तुम लोगों को, एज इट इज है। उसके बाद एक्सरसाइज है, पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन। स्टार्टिंग पे देखो, कैन यू रिकॉल में 7 क्वेश्चन है, उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद उसके नीचे मतलब लास्ट पे यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है उसको रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 13 पे स्टार्टिंग में ऑब्जर्व जो डायग्राम दी गई है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद है कैन यू टेल में जो 3 क्वेश्चन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद आप पेज नंबर 14 पे एटीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद आप पेज नंबर 15 पे सर हैंस क्रेप के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 16 पे कैन यू टेल में 2 क्वेश्चन है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके नीचे है ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो ब्लू कलर का तुम लोगों को बॉक्स दिख रहा है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 17 पे आना है, यूज योर ब्रेन पावर में जो 3 क्वेश्चन है और उसके साथ ही उसके नीचे जो इंटरनेट इज माई फ्रेंड उसमें जो क्वेश्चन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके नीचे कैन यू टेल में 5 क्वेश्चन है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद आओ पेज नंबर 18 पे कैन यू टेल में रिकॉल में क्वेश्चन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। मतलब ये डायग्राम नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। उसके बाद पेज नंबर 19 पे आओ, ये जो 19 पेज नंबर है एज इट इज है। पेज नंबर 20 पे ट्राई दिस में जो एक्टिविटी है उसके साथ यूज योर ब्रेन पावर में जो 6 क्वेश्चन है उसके साथ है यूज ऑफ आईसीटी और बुक्स आर माय फ्रेंड, ये जो इंफॉर्मेशन इसको भी रिड्यूस किया गया है। लेकिन ख्याल में रखना कि जो 25% रिड्यूस किया गया है सिलेबस है वो तुम लोगों को सेल्फ स्टडी करना है उसकी। ओके, सिर्फ इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देन पेज नंबर 22 थर्ड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। तो इसमें स्टार्टिंग में कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है 4 इसको रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 23 पे आओ, पेज नंबर 23 एज इट इज है। 24 जो है उसमें पैरीग्राफ है रिजनरेशन के ऊपर, ये पूरा पैरीग्राफ को रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 25 पे आना है तो ट्राई दिस में स्पोर फॉर्मेशन में जो एक्टिविटी है इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर 26 पे और लेट्स थिंक में जो 2 क्वेश्चन है इसको रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 27 पे आना है, स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद डू यू नो में पॉलिनेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके साथ ही नीचे यूज ऑफ आईसीटी इसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 28 पे आना है, ट्राई दिस में जो एक्टिविटी है इसको रिड्यूस किया गया है, रिसीट जर्मिनेशन के बारे में है। उसके नीचे 29 पे आना है, सरप्राइजिंग फैक्ट जो है पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 30 पे आना है डू यू नो में, और उसके नीचे डेवलपमेंट एंड बर्थ उसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 31 पे आओ, कैन यू टेल में 2 क्वेश्चन है और
इसको भी रिड्यूस किया गया है, पेज नंबर 32 पे आना है। पेज नंबर 32 एज इट इज है, थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि पूरा जो टेक्स्ट बुक है हमें साइंस 2 का, उसको आज ही इस वीडियो में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा फास्ट मैं बता रही, आपको भी फास्ट करना है। देन 33 पे आना है, तो इंटरनेट इज माई फ्रेंड में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 34 पे आना है, तो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसके नीचे और उसके साथ उसके नीचे डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, उसको भी रिड्यूस किया गया है। यहाँ हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया, एक्सरसाइज है एज इट इज है। देन पेज नंबर 36 पे फोर्थ चैप्टर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो देखो थिंक एंड आंसर में जो दो क्वेश्चन है इसको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 37 पे एक फ्लो चार्ट है उसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 38 पे आना है, तो कैन यू टेल में तीन क्वेश्चन है और उसके नीचे एक टेबल है बेस पे, तो इसको भी रिड्यूस किया गया है। 38 उसी पेज पे फ्लो चार्ट है कंप्लीट द चार्ट, इसको भी रिड्यूस किया गया है। अभी 40 पे आओ, स्टार्टिंग में डू यू नो और उसके साथ है अपी इनटू हिस्ट्री, इसको भी रिड्यूस किया गया है। और उसके नीचे कंप्लीट द चार्ट, इसको भी रिड्यूस किया गया है। मतलब ये तुम लोगों को एक्सरसाइज में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देन पेज नंबर 41 पे आना है, तो उसमें डू यू नो और उसके साथ लेट्स डिस्कस इंटरनेट इज माई फ्रेंड ऑलवेज रिमेम्बर, ये पूरा रिड्यूस किया गया है, इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 42 पे आना है, 42 पे जो बेस में जो है एक टेबल दिख रहा है तुम लोगों को पिंक कलर का, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये इसको रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 43 पे हाउ कैन बायोडायवर्सिटी बी कंजर्व, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है टेबल इसका इसको भी रिड्यूस किया गया है इस बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन है। देन पेज नंबर 44 पे आना है एज इट इज है। 45 पे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल में, उसको रिड्यूस किया गया है। देन उसके नीचे डू यू नो ऑलवेज रिमेम्बर एंड थिंक, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको रिड्यूस किया गया है। 46 पे एक्सरसाइज चालू होती है, इसमें जो प्रोजेक्ट है इसको रिड्यूस किया गया, मतलब ये प्रोजेक्ट तुम लोगों को नहीं करना है। देन पेज नंबर तुम लोगों का आना है 47 पे, फिफ्थ नंबर का चैप्टर है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी कैन यू रिकॉल में, तीन क्वेश्चन है इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 48 पे आना है, 48 पेज नंबर एज इट इज है। देन 49 जो है तो इसके बेस पे यूज ऑफ आईसीटी, इसको रिड्यूस किया गया है। 50 पे के स्टार्टिंग में डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 51 पे इंटरनेट इज माई फ्रेंड जो इंफॉर्मेशन है यहाँ, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद है कंपेयर में, ये भी रिड्यूस किया गया है। 52 पे आना है, 52 बेस में जो है ब्लू कलर का बॉक्स, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पढ़ते हैं पेज नंबर 53 पे स्टार्टिंग में जो है, मतलब ये जो पूरा पेज है ना इसके ऊपर, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर तक जो इंफॉर्मेशन दी गई है और ये बॉक्स साथ में, इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये रिड्यूस की गई है। बढ़ते हैं पेज नंबर 54, तो 54 पे जो यूजर ब्रेन पावर है इसमें जो है तीन क्वेश्चन पूछे गए, ये नहीं आएंगे एग्जाम में। देन पेज नंबर 55 पे डू यू नो में जो पूछे गए ये भी नहीं पूछा जाएगा। देन बढ़ते हैं 56, तो गेट इंफॉर्मेशन दैट इज विंड टर्बाइन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी, इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देन पेज नंबर 57 जो है, तो ये पूरा पेज जो है ना इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये पूरा पेज ही मतलब रिड्यूस किया गया है। 58 पे आना है, तो यहाँ फाइंड आउट जो है इसमें जो इंफॉर्मेशन तुम लोगों को कलेक्ट करना था इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन 59 पे डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज पूरी एज इट इज है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स नंबर का चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल में उसको रिड्यूस किया गया है। देन उसके नीचे कैन यू रिकॉल में भी एक क्वेश्चन है हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 62 पे आना है, तो स्टार्टिंग में एक जो बॉक्स है तो इसको में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी रिड्यूस किया गया है।
देन उसके नीचे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये जो दिख रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, सम कैरेक्टर दिए गए हैं नॉन कॉर्डेट्स के, और इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन 63 पे आना है, 63 के बेस में जो फोर लाइन है नीचे से, मतलब नीचे वाला पैराग्राफ, इसको पूरा रिड्यूस किया गया है। 64 पे आना है, 64 पे जो क्राइटेरिया ऑफ फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पूरा रिड्यूस किया गया है। देन 65 पे स्टार्टिंग में जो ऑब्जर्व, ये जो डायग्राम है, ये भी नहीं पूछे जाएगी, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 66 पे आना है, 66 एज इट इज है। देन 67 जो है, ये भी एज इट इज है। 68 जो है स्टार्टिंग में, डू यू नो में जो ये थी इंफॉर्मेशन, इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसी के साथ उसके नीचे सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन जो है, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन 69 पे स्टार्टिंग में जो है, इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करनी थी, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन उसी पेज पे गेट इंफॉर्मेशन, दो क्वेश्चन है, इसको भी सिलेबस से निकाला गया है, मतलब इस साल नहीं पूछा जाएगा। देन लेट्स थिंक में 3 क्वेश्चन है, इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसी पेज पे सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन एंड बुक्स आर माय फ्रेंड, इसको भी रिड्यूस किया गया है। अभी उसके बाद जो है, डू यू नो, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है पिंक कलर का, इसको में जो इंफॉर्मेशन है, इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके नीचे एक बॉक्स दिख रहा है, तो इसमें इसके बारे में भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं 72 पे, तो 72 एज इट इज है। 73 जो है, ये भी एज इट इज है। देन 74 के बेस पे यूज योर ब्रेन पावर में, जो तुम लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, ये नहीं, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। 75 में देखो, दो तीन बॉक्स है, ये पूरे तीनों ये बॉक्स रिड्यूस किए गए हैं। एक्सरसाइज चालू हो जाते, एक्सरसाइज एज इट इज है। देन पेज नंबर बढ़ना है 78, सॉरी 77, तो 7 नंबर का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ देखो, प्रोडक्ट्स के नीचे डेयरी प्रोडक्ट जो है, ये पूरा रिड्यूस किया गया है, मतलब इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 78 पे बढ़ना है, तो लेट्स थिंक डू यू नो जो है, ये पूरा रिड्यूस किया गया है। 79 पे आओ, 79 जो है एज इट इज है। देन 79 के बाद 80 में जो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज है, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है, टेबल जो दिख रहा है, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद आना है 81 पे, यूज योर ब्रेन पावर और रिसर्च जो सर्च है, ये भी पूरा रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 82 पे आना है, कैन यू टेल में जो 3 क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देन 83 पे आना है, लेट्स थिंक में 3 क्वेश्चन है, ये भी तुम लोगों को एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद 84 पे आना है, कैन यू टेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद 85 पे आना है, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये जो इंफॉर्मेशन तुम लोगों को कलेक्ट करनी थी, ये नहीं करना है। देन उसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 88 है, 8 नंबर का चैप्टर है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और ऑब्जर्व में जो डायग्राम है, इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 89 पे, और स्टार्टिंग में जो ये दिख रहा है तुम लोगों को हाईलाइट किया हुआ, इसके ये भी रिड्यूस किया गया है, और उसके साथ यूजर ब्रेन पावर में जो क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 90 पे आना है, 90 पेज पे एकदम बेस पे, इंटरनेट इज माय फ्रेंड में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी या लेनी थी, ये भी रिड्यूस किए गए है। उसके बाद आना है 91 पे, ऑलवेज रिमेम्बर रिकॉल अ लिटिल, ये भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 92 पे आओ, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये जो है इंफॉर्मेशन ब्लू बॉक्स दिख रहा है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी रिड्यूस किया गया है। 93 पे आना है, यूज ऑफ आईसीटी, इसको भी रिड्यूस किया गया है। 94 पे आना है, डू यू नो में एक बॉक्स है देखो पिंक कलर का, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन 95 पे आना है, इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और इसके नीचे जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये दोनों भी बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी रिड्यूस किया गया है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
बढ़ते हैं 96 पे आना है, तो देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसको भी रिड्यूस किया गया, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देन 97 निकालो पेज नंबर, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट इज माई फ्रेंड में जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करनी थी, अभी ये नहीं करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए नॉलेज के लिए अच्छा होता है, ले तो ये सेल्फ स्टडी तुम लोगों को करना ही है। देन 98 पे आओ, 98 पेज नंबर एज इट इज है। देन 99 जो है ये भी एज इट इज है, उसके बाद एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज एज इट इज है। देन पेज नंबर तुम लोगों को 101, तो 9 नंबर का जो चैप्टर है सोशल हेल्थ, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें देखो ऑब्जर्व एंड डिस्कस है, जो दिख रहा है ना तुम लोगों को डायग्राम, तो ये पूरी रिड्यूस की गई है। तो 102 पे एज इट इज है, 103 जो है ये देखो नीचे वाला कंपेयर, तो ये जो है ये तुम लोगों को नहीं करना है। पेज नंबर 104 पे रिकॉल अ लिटिल में 2 क्वेश्चन थे, इसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। देन 105 पे आओ, तो इंटरनेट इज माई फ्रेंड एंड साइबर क्राइम, इसके बारे में भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर 106 पे डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 107 ऑलवेज रिमेम्बर, इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन एक्सरसाइज यहाँ से चालू हो जाते हैं, और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है 10 नंबर का डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें देखो स्टार्टिंग में ही 3 क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल में, इसके बारे में तुम लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देन 110 पे आते हैं, तो एज इट इज है। उसके बाद 111 लेट्स थिंक में जो क्वेश्चन है तो इसको रिड्यूस किया गया है। देन 112 जो है एज इट इज है। 113 में जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज जो है ये जो है एज इट इज है 114। 115 जो है एक्टिविटी है ट्राई दिस और ऑलवेज रिमेम्बर, ये पूरा रिड्यूस किया गया है। ओके, देन उसके नीचे ये गलती से हो गया है, ये गेट इंफॉर्मेशन ये भी तुम लोगों को नहीं करना है, ये करना है। ओके, देन अभी पेज नंबर 116 पे जो है इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और उसके नीचे हु डज व्हाट, ये भी इंफॉर्मेशन जो है इसको भी रिड्यूस किया गया है। ओके, देन पेज नंबर 117 पे आना है, तो ऑब्जर्व में जो डायग्राम दी गई है इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और कंप्लीट द चार्ट ये भी रिड्यूस किया गया है। 118 पे आना है, तो देखो नेसेसरी मटेरियल इन फर्स्ट एड बॉक्स, ये बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट एड के बारे में, इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, और उसके बाद है लास्ट में इंटरनेट इज माय फ्रेंड, तो इस बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करना था, वीडियो देखना था, तो ये भी रिड्यूस की गई है। और लास्ट में ऑलवेज रिमेम्बर में जो बॉक्स है, बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन है इसको भी रिड्यूस किया गया है। ओके, तो यह हमने पूरा जो साइंस 2 का जो पोर्शन 25% जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने वीडियो जो है 25% रिड्यूस जो सिलेबस के वीडियो है, हम नेक्स्ट सिलेबस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं।